समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। झांसी विद्युत संविदा कर्मचारियों ने 3 माह का वेतन न मिलने पर हड़ताल पर पावर हाउस में ही धरना प्रदर्शन दिया। जनपद के सभी पावर हाउसों पर विद्युत संविदा कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3 माह का वेतन की मांग की। वेतन न मिलने के कारण विद्युत कर्मियों का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है और हालत बद से बदतर होती जा रही है। विद्युत संविदा कर्मियों ने कहा कि अगर वेतन नहीं मिला तो भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। विद्युत पावर हाउस का कार्य बहिष्कार करते हुए जब तक वेतन नहीं जब तक कार्य नहीं धरने पर बैठे रहेंगे। गल्ला मंडी पावर हाउस के कर्मचारी सुंदरलाल अध्यक्ष भगवत प्रजापति अरबाज खान मेहरबान कुंवर सिंह विकास ब्रजेश विनय राय सुनील कुमार साहू आदि सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मी हड़ताल पर रहे। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। किस संबंध में धरने पर बैठे हैं? हमारे यहाँ 3 महीने से जितने भी झांसी क्षेत्र के पावर हाउस हैं किसी को भी वेतन नहीं दिया गया, ना ही किसी को EPF दिया जा रहा है। इसलिए सभी भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, घर का खर्च नहीं निकल पा रहा है, कहाँ से हम लोग काम करें। तो क्या आज कार का भी बहिष्कार किया गया? हाँ, आज 2 दिन से कार बहिष्कार चल रहा है हमारा। तो ये कब तक चलेगा धरना? जब तक वेतन नहीं मिलेगा।